ये बन चुका है वेज तुरई का सालन, एकदम बेहतरीन, लाजवाब। ऐसी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस, खाना खजाने में स्वागत है। आज है कि हम वेज तुरई पका रहे हैं। ये तुरई ऐसे सिम कट करे है, उसको सामान क्या क्या लगता है देखो। दो सौ ग्राम तुरई है ऐसे से हमने कट कर के लिए है, एकदम साफ कर कर। एक टमाटर, अदरक लहसुन का चम्मच, एक चम्मच अदरक लहसुन, हरा धनिया, दो से तीन चम्मच तेल, हल्दी, नमक, जीरा, गरम मसाला, मिर्ची, ये बादशाह मसाला, इसको पैसा बनाते हैं तो मेरे ये भी बना के लिए। तेल अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है, अब एक चम्मच जीरा डालना। जीरे को अच्छे से लाल नहीं देना है, जीरा लाल हो चुका है। अब इसमें अदरक लहसुन डालना, अदरक का कच्चापन खत्म हो तक, अदरक लहसुन का कच्चापन खत्म हो तक इसकी, अदरक लहसुन का कच्चापन खत्म हो चुका है। अब ये पूरा ही धोकर रखिए, इसे साफ करके एक से दो सेकंड इसको अच्छे से तेल में फ्राई करना है। आधा चम्मच नमक, हल्दी आधा चम्मच, इसको एक से दो सेकंड लिए भूनना है तेल। एक सेकंड हो चुका है, अब भूनिए आंच पर, एक मिनट इसको ढककर पकाना है। पूरे गल जाते हैं, ये पूरे गल चुके हैं, एक मिनट हो चुके हैं, अच्छे से गल चुके हैं पूरे। टमाटर और पुदीना डाल लें, मसाले डालने हैं इसमें, एक चम्मच मिर्ची, एक चम्मच बादशाह मसाला, आधा चम्मच गरम मसाला। सब मसाले डाल चुके हमने, अच्छे से इसे फ्राई करना है। फिर से एक से दो सेकंड इसको अच्छे से भूनना है मसाले में। एक से दो सेकंड हो चुके हैं, टमाटे भी गल चुके हैं। अब इसमें फली बीन पिसियाली डाल देना, बिल्कुल भी पानी नहीं डालना है, एकदम सूखी सब्जी बना रहे तुरई की, तुरई। और एक से दो सेकंड लिए फली बीन डालकर अच्छे से भूनना है। थोड़ा हरा धनिया डालना। बन चुका है, एकदम पानी भी नहीं डाले, एकदम बेहतरीन लाजवाब तुरई का सालन बन चुका है, एकदम चुका। गैस को करें बंद, वेज तुरई का सालन। ये बन चुकी है तुरई की सब्जी, एकदम लाजवाब वेज। ऐसी रेसिपी बनाने के लिए दुआओं में याद रखो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट में ज़रूर लिखकर बताओ कि वेज
तुरई का सालन कैसा बना। अल्लाह हाफिज़।